ऋषिकेश एम्स अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे अस्पताल की चौथी मंजिल पर पुलिस की एक गाड़ी घुस गई है। इस दौरान वार्ड में जिसने भी यह मंजर देखा हर कोई हैरानी में पड़ गया। इसी मामले को लेकर आज देहरादून एसएसपी जांच के लिए खुद ऋषिकेश एम्स पहुंचे। उन्होंने एम्स अस्पताल के घटना स्थल का निरीक्षण किया। वही एम्स के डायरेक्टर और सिक्योरिटी इंचार्ज से इस मामले को लेकर बातचीत भी की। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई कि वायरल वीडियो इमरजेंसी वार्ड का ना होकर मरीजों के एडमिट से पहले रुकने के लिए बनाई गई वेटिंग गैलरी का है। पूरा एपिसोड था एम्स का, जैसे 19 की कोई घटना यहाँ पर एक हुई थी जिसमें हरेसमेंट का और फिजिकल हरेसमेंट और सेक्सुअल हरेसमेंट की इसमें शिकायत करी थी। चूंकि यहाँ के इंटर्न डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स है, लेडी डॉक्टर है, उन्होंने शिकायत करी थी जो इनके द्वारा पुलिस को रिपोर्ट ना करके उसमें इंटरनल जो विशाखा कमेटी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए उसमें आगे की कार्रवाई इंटरनल ग्रीवेंस कमेटी कर रही थी। 20th को भी कार्रवाई चलती रही। इस दौरान जो आरोपी था वो यहाँ पर चूंकि नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड है तो वो यहाँ पर एडमिट हो गया था साइकेट्रिस्ट वार्ड में, और इसके विरोध में काफी सारे लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे साइकेट्रिस्ट वार्ड के बाहर, करीब 250 से 300 लोग। और जितने लोग जब वहाँ इकट्ठा हो गए थे तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन होने पर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। पुलिस इन्फॉर्मेशन जब पहुंची तो वहाँ पर आक्रोशित जो भीड़ थी या कहेंगे जो मौके रूप में डॉक्टर्स थे और वो उसकी पिटाई करना या उसको फांसी देना इस तरह की चूंकि जो घटनाक्रम था उसमें आवेश में थे, और उसको देखते हुए 2-2.5 घंटे तक समझाने के बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के द्वारा समझाने पर वो नहीं माने तो जो एम्स एडमिनिस्ट्रेशन है और सिक्योरिटी अफसर से उनके द्वारा चूंकि यहाँ एग्जिट प्लान भी बना हुआ है इमरजेंसी सिचुएशन में रैम का प्रयोग करते हुए गाड़ी से अक्यूज को निकाला गया। जब लेकिन जब अक्यूज को लेकर आ रहे थे तो उस दौरान भी भीड़ ने जो है वहाँ पर उनको रोकने का प्रयास किया, हमला करने का प्रयास किया, अक्यूज को निकालने का प्रयास किया, तो सिक्योरिटी जो स्टाफ था एम्स का वो वहां से एक एग्जिट प्लान के तहत वहां पर एक वेटिंग एरिया बना हुआ है, वो वार्ड नहीं है जहां से लाए गए, और वो सिक्योरिटी अफसर जो यहां के थे उनके द्वारा गाइड किया गया और सेफली अक्यूज को निकाला गया वहां से। क्योंकि जो परिस्थितियां थी वहां पर और जो सिक्योरिटी पर्सन जो एम्स के यहां पर है उनके द्वारा जो गाइड किया गया था, जो परिस्थितियां थी कहीं कोई मॉब लिंचिंग ना हो जाए, कहीं डॉक्टर्स और जो एसोसिएशन जो इनकी नर्सिंग जो स्टाफ है उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो जाए या अन्य कोई ऐसी विषम परिस्थिति ना आए जिससे पेशेंट्स को अफेक्ट हो जाए, इसके कारण निर्णय लिया गया था। आज ज्वाइंट इंस्पेक्शन में एम्स के डायरेक्टर और सभी अधिकारियों से इंस्पेक्ट कर लिया गया, सीसीटीवी फुटेज देखी गई, जो भी एक्शन किया गया उस समय के अनुसार से एकदम ठीक किया गया।